मैं अपने दो तीन मुद्दे रखना चाहती हूँ। उस मुद्दे की शुरुआत के पहले मैं दो लोगों को ये मुद्दे समर्पित करना चाहती हूँ। उसमें से एक मेरे माता और पिता है जिन्होंने मुझे पैदा किया और मेरे भाई और मेरे में कोई भी दूजा भाव नहीं रखा और हम सबको इक्वल समानता दी। और दूसरी ऐसी महिला कुशल संगठक है। बहुत सारे राजा हो गए इस देश को आगे बढ़ाए उन्होंने अध्यक्ष महोदया जी, लेकिन एक ऐसी बेटी जिसने अपने पिता की उम्मीदों को साकारा, पत्नी अपने पति का आदर्शों को ले गई, एक ऐसी कुशल संगठिता जो वीरता और ममता का ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण है। हिस्टोरियन कंपेयर्स हर टू द क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड एंड क्वीन कैथरीन टू ऑफ रशिया। वन सच रूलर वॉज होलकर, क्वीन ऑफ मालवा किंगडम, लोकमाता पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर। 1928 तक का इतिहास तो यहाँ पे बताया गया, लेकिन जो एक कुशल संगठितिका थी, जो एक रानी थी, उनके बारे का इतिहास भी हम उनको नमन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने हमें, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदया, आपने हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया 5 और 6 तारीख को, जहाँ पे विमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्क्लेव में हमने अच्छा काम किया। हमने अपने विचार सशक्त भारत के रूप से, हम कैसे सशक्त महिला आगे बढ़ा सकती है, उस रूप से हमने काम किया। और प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे एक बहुत अच्छी सटीक बात कही कि विमेन एम्पावरमेंट ये बात ही गलत है। विमेन महिला, ये शब्द आते ही सशक्तता, एम्पावरमेंट उस महिला से जुड़ती है, इसलिए विमेन नीड नॉट टू बी एम्पावरमेंट बिकॉज दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। मैं इसमें 3 मुद्दे रखना चाहती हूँ, क्योंकि आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 के बारे में बात कही। 3 मुद्दे बहुत जरूरी है जहाँ पे समानता हम ला सकते हैं। एक है मानसिक और शारीरिक। जब एम्पावरमेंट कहते हैं तो एम्पावरमेंट शब्द बाजू में करके हम उसको प्रगतिकरण कह सकते हैं, डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो एक मानसिक शारीरिक प्रगतिकरण, हम सब जब एक माता और पिता तय करेंगे कि मेरा बेटा और बेटी समान होंगे, तो ही ये मानसिक और शारीरिक प्रगतिकरण आगे होगा। इसमें मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, एक उदाहरण छोटा दूंगी। रॉबिन चौरासिया जैसी एक लड़की मेरे चुनाव क्षेत्र में पिता, पति और भाई के कुकर्म से और सेक्स वर्कर्स की बेटियां, इन सबको नई जीने की उम्मीद देने के लिए उनको पढ़ा रही है, आगे बढ़ा रही है। और वह एकमेव ऐसी भारतीय है रॉबिन चौरासिया, जो उनको शारीरिक मानसिक रूप से इन चीज़ों से बाहर लाके आज ग्लोबल टीचर प्राइस में एकमेव भारतीय ऐसे है जिनका नाम उसमें शामिल किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात SDG नंबर 5 में है आर्थिक इकोनॉमिक प्रगतिकरण, उनकी ताकत। आज आप जानती हैं कि घर का कर्ता पुरुष होता है, लेकिन पैसा जब वो कमा के लाता है तो फिर महिला ही उसका सदुपयोग करती है और घर में उस रूप से उसका काम करती है। सो उस रीढ़ की हड्डी को जब हम किसान को इस देश की रीढ़ की हड्डी कहते हैं, लेकिन जब किसान बीज डालने के लिए जब गड्ढा करता है तो महिला उसमें बीज डालती है, वो पानी डालती है। इस देश की व्हाइट रेवोल्यूशन हो या मिल्क की क्रांति हो, तो ही सिर्फ महिला ही इस क्रांति में आगे आई है। उसका भी एक छोटा उदाहरण दूंगी। प्रधानमंत्री जी ने संसद आदर्श ग्राम योजना में हम सबको छोटे छोटे गाँव दिए, उसमें से एक गाँव चारोटी जो मैंने लिया, पूरी तरह से आदिवासी पाड़ा, लेकिन वहां की सरपंच महिला है रंजना धापसी, उन्होंने अपनी सक्षमता दिखाई और आज मेरी दोस्त अनीता डोंगरे के साथ हमने एक वहां पे गारमेंट फैक्ट्री बनाई है और 100 महिलाएं वहां पे काम करती है और विश्व रूप में जो कपड़े वहां पे बनाए जाते हैं, मैं एक मिनट में बात खत्म करूंगी, विश्व रूप में जो कपड़े बनाए जाते हैं वो हमारी गांव की महिलाएं बनाती है, चारोटी की बनाती है। उसकी एक शॉल भी हमारे आदरणीय वेंकैया नायडू जी ने पहन के पूरे यहां पे दिखाया था। तीसरी महत्वपूर्ण बात SDG गोल नंबर 5 को पूरी करने की है, पॉलिटिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। मैंने एक बात कही थी, हमारे यहाँ पहली बार इतिहास में लोकसभा में सबसे ज़्यादा महिला MPs हैं, लेकिन लैटिन अमेरिका में कहा जाता है, और ये शुरुआत है कि वन वुमन एंटर्स इन पॉलिटिक्स शी चेंजेस, बट मैनी वुमेन कम इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स चेंजेस। सो हमें बहुत सारी महिलाओं की इसमें बहुत ज़रूरत है और वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बताया। अंत में मैं यही कहूँगी, मुझे गर्व है कि मैं आज़ाद भारत में पैदा हुई हूँ। आजकल आज़ादी की परिभाषाएं बहुत अलग अलग कुछ दिनों में बनाई जाती हैं, लेकिन मेरी एक महिला करके आज़ादी की परिभाषा एक ही है। मेरी परिभाषा है कि मैं आज़ादी चाहती हूँ मेरे गर्भ में पली बेटी को बचाने और पढ़ाने के लिए। मैं आज़ादी चाहती हूँ जो भी कपड़े पहनूं बिना डर के मैं इस देश में घूमूं। मैं आज़ादी चाहती हूँ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने वाले समाज के उस तबके से। मैं आज़ादी चाहती हूँ मैडम उन विचारों से कि महिला आगे बढ़े तो उसके चरित्र में सवाल पूछा जाता है, मेहनत की प्रशंसा बाद में की जाती है। और मैं आज़ादी चाहती हूँ मैडम मंदिर और दरगे में जाने के लिए मुझे, और सुकून से वहां पे मैं प्रार्थना कर सकूं। यही है सच्चे आज़ाद हिंदुस्तान की आज़ादी की परिभाषा, एंड दिस फ्रीडम इज रिक्वायर्ड फॉर अस, नॉट द अदर आज़ादी। बहुत बहुत धन्यवाद।